अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिसेंट्री के बारे में पढ़ेंगे कि डिसेंट्री क्या होता है। एक फॉर्मल डेफिनेशन में उसके आपको बता दूं कि डिसेंट्री क्या होता है। डिसेंट्री इज अ ट्री वे ईच नोड रिप्रेजेंट्स अ फीचर और एट्रीब्यूट, ईच लिंक ब्रांच रिप्रेजेंट्स अ डिसीजन रूल एंड ईच लीफ रिप्रेजेंट्स एन आउटकम। अब यहाँ पे लिखा हुआ क्लासीफाई डेटा यूजिंग द एट्रीब्यूट्स। डिसीजन ट्री सुपरवाइज मशीन लर्निंग की एक तरह की टाइप है जहाँ आप इनपुट के साथ साथ आउटपुट भी देते हो उसे, और ये ट्रेनिंग टाइम पर होता है सब कुछ। ट्री कंसिस्ट ऑफ डिसीजन नोड्स एंड डिसीजन लीव्स। आपके पास कुछ एट्रीब्यूट होते हैं जिनकी बिना पर आप क्लासिफिकेशन करते हो, और जो ट्री होता है, जैसे मैंने इसकी फॉर्मल डेफिनेशन बताई है कि ये नोड्स और लीव्स पर कंसिस्ट करते हैं। नोड्स कैन हैव टू और मोर ब्रांचेस विच रिप्रेजेंट्स द वैल्यू फॉर द एट्रीब्यूट टेस्टिंग। जो नोड्स होती हैं वो आप एक तरह का टेस्ट होता है, वो आपके जो डेटा होता है उसको टेस्ट करता है, उसका रिजल्ट बताता है कि क्या इसने बता इस साइड पर जाना है या दूसरी साइड पर जाना है। जो लीव्स होती हैं वो आपका रिजल्ट होता है, जो आपको रिजल्ट बताता है कि आप अब इस पोजीशन पे पहुंच गए हो। इस तरह तो बहुत सारे एल्गोरिथम्स हैं डिसीजन ट्री के। जो मोस्ट कॉमन एल्गोरिथम है वो है ID3। इसका फुल नेम है आइट्रेटिव डिकोमेटाइजर। जो डिकोमेटाइजेशन का मतलब होता है वो ये होता है कि किसी भी चीज़ को कम्प्लीटली ऑपोजिट थिंग्स में डिवाइड कर देना। अब ट्री होता है वो हमेशा ऑपोजिट साइड में डिवाइड होता है, या हाँ और ना। एल्गोरिथम आइट्रेटिवली डिवाइड्स एट्रीब्यूट इनटू टू ग्रुप्स व्हिच आर द मोस्ट डोमिनेंट एट्रीब्यूट एंड अदर टू कंस्ट्रक्ट अ ट्री। ये एल्गोरिथम आइट्रेटिवली डिवाइड करता जाएगा ग्रुप्स में, और लास्ट में उनको मोस्ट डोमिनेंट एट्रीब्यूट मिल जाएगा जिससे हम ट्री को कंस्ट्रक्ट करेंगे। Then it calculates the entropy and information gain of each attribute. In this way, the most dominant attribute can be founded. इसमें ये होता है कि हम फॉर्मूला होता है एंट्रोपी का, और उसके बाद इंफॉर्मेशन गेन होता है। जब एंट्रोपी हम हर फीचर की निकाल लेते हैं तो फिर हम उसको पेरेंट एंट्रोपी से माइनस करते हैं तो हमारे पास इंफॉर्मेशन गेन आता है, और इससे हमें फिर जो हमें रूट नोड पर जो भी हमें एट्रीब्यूट चाहिए होगा कि कौन सा एट्रीब्यूट हमारे रूट नोड पर सिलेक्ट होना है, वो हमें इससे पता चलता है। आफ्टर देन द मोस्ट डोमिनेंट वन इज पुट ऑन द ट्री एज डिसीजन नोड। जैसे मैंने आपको बताया कि जब ये सारा प्रोसीजर हो जाएगा, पूरे ट्री को हम ट्रैवर्स करेंगे और उसकी एंट्रोपी निकालेंगे और पेरेंट एंट्रोपी से माइनस करेंगे, तो जो इन्फॉर्मेशन गेन निकलेगा, जिसका सबसे मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन गेन होगा, वो हमारे रूट नोड पर हो जाएगा। एंट्रोपी एंड गेन स्कोर्स वुड बी कैलकुलेटेड अगेन अमंग द अदर एट्रीब्यूट्स। ये वही जो मैंने आपको बताया, उसी की इंग्लिश लिखी हुई है, और हम इसे बार बार करते रहेंगे जब तक हमें कोई जो हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट है वो ना मिल जाए। अभी एग्जाम्पल है, अभी ये इसमें ये जो सीरियल नंबर है ये हमें 14 दिन का डाटा बता रहा है कि आउटलुक टेम्परेचर ह्यूमिडिटी विंडी, और वो किस दिन खेलने गया और नहीं गया, और किस किस कंडीशन में गया और किस कंडीशन में नहीं गया। अब ये है एंट्रोपी का फॉर्मूला। एंट्रोपी का जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है कि आपने जो जो एक क्लास है, आप समझ लें एक फीचर है, उसके अंदर हमारे पास तीन क्लासेस पड़ी हुई हैं, सनी, ओवरकास्ट और रेन। अब हमने इसको देखना है हमारे लेबल्स के, जो हमारे लेबल्स हैं प्लेन, टेनिस, यस और नो के अकॉर्डिंग, कि कितनी दफ़ा सनी में वो खेलने गया, कितनी दफ़ा वो सनी में खेलने नहीं गया, और कितनी दफ़ा वो ओवरकास्ट में खेलने गया और कितनी दफ़ा नहीं गया, और इसी तरह रेनी में, और इस तरह हॉट में,
हाई इसमें ह्यूमिडिटी में, विंडी में, और इसमें इम्प्योर और प्योर सेट होता है। अब जैसे कि इसमें लिखा हुआ है कि इम्प्योर सेट होती है कि रेशियो होती है कि कितनी येस और नो, क्या 50-50 है या 20-80 है या 70 है, ये इम्प्योर सेट होता है कि मतलब इसमें अनसर्टेनिटी होती है। और जो प्योर प्योर सेट होता है वो सर्टन होता है कि हाँ खेलने गया था, जिस तरह हम यहाँ पे देख रहे हैं कि ओवरकास्ट के उसमें वो चारों दिन खेलने गया है, और सनी के केस में वो 2-3 दिन नहीं गया और बाकी दिन गया है, 2 दिन खेलने गया। अभी देखिए सनी में वो 3 दिन नहीं गया और 2 दिन गया है, और इसमें 4 दिन गया है, और रेन में 3 दिन गया और 2 दिन नहीं गया। ये इसकी छोटी सी एग्जांपल है आउटलुक सनी की, किस तरह एंट्रोपी निकालनी है, और एंट्रोपी निकालने के बाद जो हमारे पास एवरेज एंट्रोपी आएगी इन सब को कैलकुलेट करने के बाद, फिर हम इसे माइनस करेंगे हमारे पास पेरेंट एंट्रोपी में। हमारी पेरेंट एंट्रोपी कहाँ से निकलती है, वो होती है हमारी जो हमारा लेबल्स है, हमारा टारगेट वैल्यू है, जो प्ले टेनिस येस है और नो है, वहाँ से उसकी मैं कॉम्पिटिशन भी करता हूँ और आपको कम्प्लीट बताऊँगा कि किस तरह ये कंप्यूट होता है। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि हमारे पास 14 डेज हैं, तो हमारे पास यहाँ पर 14 डेज हैं, तो हम सबसे पहले अपने लेबल की पेरेंट एंट्रोपी जो है वो निकाल लेते हैं, प्ले क्या वो खेलने गया था या नहीं गया था, कितने दिन वो खेलने गया था। अभी हम गिन लेते हैं वो कितने दिन गया था, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, नौ दिन खेलने गया था, नौ और नौ में से 14 में से 9 निकाले तो 5। अब इसकी जो प्रोबेबिलिटी एंट्रोपी निकालने का जो फॉर्मूला है वो ये है, समिशन माइनस समिशन प्रोबेबिलिटी ऑफ यस प्लस अगर हम इसे इस तरह ले लेते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ नो, अब हमारे पास क्या था, प्रोबेबिलिटी ऑफ यस कितनी थी कि कितनी बार वो खेलने गया, वो गया है 9 बार खेलने, 9 डिवाइडेड बाय 14, अगर हम माइनस को कॉमन लें और माइनस को बाहर लगा रख दें तो दरमियान में प्लस आ जाएगा, तो लॉग की पावर लॉग बेस 2 9/14 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नो, प्रोबेबिलिटी ऑफ नो हमारे पास थी 5/14, वो 5 बार नहीं गया खेलने के लिए, और इसका आंसर निकलता है 0.94। अब ये हमारी पेरेंट एंट्रोपी है, अब इससे जितनी भी हमारी फ्यूचर्स की प्रोबेबिलिटी होगी वो हम इसे माइनस करेंगे तो हमारे पास इंफॉर्मेशन गेन आएगा, इंफॉर्मेशन गेन पेरेंट एंट्रोपी माइनस एवरेज एंट्रोपी ऑफ एवरी क्लास, वो आउटलुक हो
वो आउटलुक हो, टेम्परेचर हो, ह्यूमिडिटी हो, विंडी हो या प्ले टेनिस हो, हमने हर एक प्रोबेबिलिटी निकालनी है। चलिए, अब हमारे पास 0.94 हमारी पेरेंट की एंट्रोपी तो आ गई है। अब आगे हम इसकी निकालते हैं कि हमारे पास आउटलुक की क्या होगी, टेम्परेचर की क्या होगी, ह्यूमिडिटी की क्या होगी और विंड की क्या होगी, क्योंकि हमें फाइंड आउट करना है कि हमारे रूट नोड पे क्या आएगा, कहाँ से हम अपना ट्री स्टार्ट करें। तो इसके लिए हमें ये इन्फॉर्मेशन गेन निकालना पड़ेगा। तो हम यहां पे लिख देते हैं सही से, हाँ आउटलुक यस और नो। अब हमारे पास कितनी बार वो सनी में खेलने गया है, कितनी बार वो ओवरकास्ट में खेलने गया है और कितनी बार वो रेन में खेलने गया है या नहीं गया है। अब यहां पर वो सनी में 2 मर्तबा गया और 3 मर्तबा नहीं गया, 4 मर्तबा खेलने गया है और 1 मर्तबा भी नहीं खेलने गया। थ्री टू, यहां पे देख सकते हैं कि सनी में वो 3 मरतबा नहीं खेलने गया और 2 मरतबा खेलने गया है, और ओवरकास्ट के केस में हमारे पास वो 4ों मरतबा टेनिस खेलने गया। और जैसे हम रेन में देखते हैं कि रेन में वो कितनी मरतबा गया और कितनी मरतबा नहीं गया, रेन में हम देख लेते हैं कि वो 2 मरतबा नहीं गया और 3 मरतबा गया है। तो यहां पे हमने लिख लिया कि हमारे पास वो कितनी मरतबा खेलने गया है और कितनी मरतबा नहीं गया। तो हम इसके एंट्रोपी निकालते हैं, जिस तरह हमने उसी उसकी पेरेंट एंट्रोपी निकाली थी, वही फॉर्मूला हम यहाँ पे लगाएंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ नेस यस और प्रोबेबिलिटी ऑफ नो। अब यहां पे हम कहते हैं हम यहां पे अब लिखते हैं कि हमारे पास माइनस बाहर कॉमन ले लिया, 2/5 हमने, अब हम इस क्लास की ले रहे हैं तो हमने इस क्लास से जो यहाँ पर जितने भी हमारे पास टोटल, हम इस सम को लेके हमने यहाँ पर डिवाइड करना है कि हमारे पास 2/5 या 3/5 कितनी मरतबा हमारे पास वो गया कि नहीं गया, कि नहीं गया। लोग बेस 2 थोड़ा ज्यादा ऊपर चला गया था, दोबारा लिख लेते हैं, 2/5 लॉग की बेस 2/5 और यहाँ पर हम उसके साथ हमने यहाँ पे प्लस, क्योंकि कॉमन हम माइनस हमने कॉमन ले लिया है, और हमने प्रोबेबिलिटी ऑफ नो अब देखनी है इसके साथ फिर में। थ्री बाई फाइव इसकी प्रोबेबिलिटी हमारे पास निकलती है 0.693। इस तरह हमने सबकी निकालनी है, इसकी निकली 0.693।
नाइन, सॉरी सॉरी, इसकी 6.9 ही निकली है। अगर इसे हम कैलकुलेट कर लेते हैं तो इसकी निकलेगी हमारे पास 0.97। इसी तरह हम इसको करेंगे, क्योंकि ये प्योर सेट है। अब हम इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस करेंगे लॉग के साथ, तो ये हमारे पास 0 आएगा हमेशा। प्योर सेट, अगर हमारे पास प्योर सेट होगा तो वो हमेशा उसकी जो एंट्रोपी निकलेगी वो 0 निकलेगी। इस तरह इसकी 0.97। अब हमारे पास क्या है कि हमारे पास अब 3 इंट्रोपीज निकलेंगे। अब हमने इसको सम करना है ताकि हम इसकी एवरेज इंट्रोपी निकाल सकें, और उसके बाद इसको हम माइनस कर सकें इन्फॉर्मेशन गेन के साथ, ताकि हमें पता चल सके कि हमारी कौन सी फीचर है जो रूट नोड पर आएगा। अगर हम इसको देख लेते हैं, इसका सम निकालते हैं, तो 5/14। एवरेज एंट्रोपी निकालने के लिए हम पूरी क्लास के साथ, जो हमारा पूरा का पूरा डाटा है सनी ओवरकास्ट रेन, वो 14 टाइम्स है, तो हम उसके साथ उसको डिवाइड करेंगे। मल्टीप्लाई बाय एंट्रोपी ऑफ एवरी क्लास, एक फीचर की जितनी क्लास है उसके साथ, प्लस 4 ओवरकास्ट 4 टाइम्स आया था, इस वजह से फिर उसकी एंट्रोपी 0 निकली थी। हम रेन की एंट्रोपी के साथ कर लेते हैं मल्टीप्लाई, इसका जो आंसर हमारे पास निकलेगा वो निकलेगा 0.693। इससे हमारे पास एक फीचर की निकल आई है आउटलुक की। अब हमने बाकी भी फीचर्स की निकालनी है, जो बाकी फीचर्स हैं टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी और विंड। अब जैसे कि हम देख सकते हैं कि हमारे पास यहां पर टेम्परेचर के अंदर भी 3 क्लासेस हैं, हॉट, मिल्ड और कूल। ह्यूमिडिटी के अंदर भी हमारे पास सिर्फ 2 क्लासेस हैं, हाई या नॉर्मल, और विंडी के अंदर वीक और स्ट्रॉन्ग। और हम यहाँ पर इसके लिए हमारे पास 3 निकलेंगी, 3 एंट्रोपीज निकलेंगी, और उसकी एवरेज एंट्रोपी हमारे पास जिस तरह हमने इसकी कैलकुलेट की है उसी तरह कैलकुलेट कैलकुलेट करने के बाद हमारे पास निकलेगी 0.91। ह्यूमिडिटी की निकलेगी, क्योंकि इसमें 2 क्लासेस थी, 0.70, और विंड की निकलेगी हमारे पास 0.89। अब हमारे पास तीनों एंट्रोपी, तीनों की, चारों की एवरेज एंट्रोपी निकल आई है। अब हमने एक एक करके, क्योंकि हमें एक रूट नोड चाहिए कि हमने कहाँ से स्टार्ट करना है, तो हमें इंफॉर्मेशन गेन निकालना पड़ेगा कि हमारे पास रूट नोड पे कौन सा फीचर आ जाए जहां से हम अपना ट्री स्टार्ट कर सकें। तो अब हम इंफॉर्मेशन गेन निकालते हैं, पेरेंट एंट्रोपी माइनस एवरेज एंट्रोपी ऑफ ईच फीचर। अगर हम आउटलुक की निकाल लेते हैं तो आउटलुक के हमारे पास जो हमारी पेरेंट एंट्रोपी थी वो थी 0.94। अब हम 0.94 माइनस 0.693 करते हैं तो हमारे पास 0.247 आता है। और ऐसे ही हम चारों की निकालते हैं, बाकी तीनों की भी निकाल लेते हैं, 0.94 माइनस 0.19 हमारे पास 0.03, और 0.94 माइनस 0.70 0.24 0.94 0.21। अब हमने क्या करना है, हमने देखना है कि इन चारों में से सबसे ज्यादा इंफॉर्मेशन गेन किसका आया। अब हमारे पास ये आउटलुक था, ये टेम्परेचर था, ये ह्यूमिडिटी थी और ये विंड थी। अब हमारे पास सबसे ज्यादा आउटलुक की इंफॉर्मेशन गेन आई है।
तो अब हमारा जो रूट नोड होगा वो आउटलुक होगा, और उसके आगे हमारे पास वो निकली एक तीन इसकी क्लासेस हैं, सनी, ओवरकास्ट और रेन। अब हमने इससे आगे जिस तरह हमने आउटलुक को निकाला था, इसी तरह हम आगे भी सनी के लिए, इस सनी से आगे किस साइड पे वो टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी या विंड को, कौन से फीचर्स को एक्सेप्ट करता है, इसी तरह सबकी एंट्रोपी निकालेंगे अगेन, एंड देन फिर उसके इंफॉर्मेशन गेन निकालेंगे। जो इंफॉर्मेशन गेन हमारे पास सबसे मैक्सिमम होगा, उसे आगे फिर हम उसको, उस फीचर को ले लेकर फिर आगे उसका रिजल्ट निकालेंगे। इस केस में हमारे पास सबसे सारे यस हैं, तो हमने डिफरेंट निकालना है कि क्या यार सनी में, क्योंकि उसने यहाँ पर हमें दिया हुआ है कि सनी में वो दो मर्तबा खेलने गया था, तो हमने चेक करना है कि किस टेम्परेचर पे, किस ह्यूमिडिटी पे, किस विंड में वो खेलने गया था और किस पे नहीं गया था। अब वो सनी सनी कूल नॉर्मल वीक वो उसमें खेलने गया था। अब हमने क्या करना है कि हमने अब इस दोबारा फिर जब हमारे पास सनी आ गया, अब सनी से हमने दोबारा फिर तमाम क्लासेस कि इंट्रोपी और उनकी इन्फॉर्मेशन गेन लगा निकालना है, ताकि हमें पता चल सके कि हमारे पास कि वो किस में गया था और किस में नहीं गया था। ये केस है कि हमारे पास जो आउटलुक है वो हमारे पास रूट नोड सेलेक्ट हो गया है। अब हमने फर्दर स्प्लिटिंग करनी है कि हमें पता चले कि हमारा जो हमें स्पेसिफिक रिजल्ट चाहते हैं हम जिस चीज़ का, उस चीज़ का हमें पता चल सके। ये एक डिफरेंट ट्री है आपको जस्ट दिखाने के लिए। यहाँ पे मैंने देखा जैसे अगर हम इसकी यहाँ पे हमें टेम्परेचर मिलता है रूट नोड में, तो हॉट मेल्ड और कूल है। उसके बाद हमें आउटलुक मिलती है कि आउटलुक में क्या मतलब हमारे पास सबसे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आउटलुक का आता है, तो नेक्स्ट नोड हमारे पास आउटलुक ही है। उसमें हमें देखने के क्या ओवरकास्ट में वो खेलने गया था, रेन में गया था, सनी में गया था, यहीं पे फिर ऐसे ही नहीं गया गया है रेन में, किस तरह। फिर आउटलुक यहाँ पे देख लेते हैं हम, तो सनी के ह्यूमिडिटी में हाई में नहीं गया, नॉर्मल में गया था। फिर इसी तरह हर जगह हमने पूरा हमारे पर पूरा ट्रैवर्स करना होता है हमने, ताकि हम किसी जो हमारे पास रिजल्ट हम चाहते हैं वो हमें मिल सके। अब इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस पे आ जाते हैं। पहले तो ये है कि जो इसके डिसीजन ट्री का एडवांटेज ये है कि कोई भी ह्यूमन भी उसको इजीली अंडरस्टैंड कर सकता है। कोई इतने मतलब मशीन लर्निंग आप इस तरह कह सकते हैं कि असेंबली लैंग्वेज की, जितना हमें समझ नहीं आती या बैकएंड पे काम चीज़ें हो रही होती हैं, इसी तरह उसके मद्दे मुकाबिल ये बहुत मतलब कंप्यूटेशन में हमें इजीली समझ आ जाती है। ट्री ट्री बना होता है, ट्री स्ट्रक्चर है, हमें इसका पता चल रहा है जैसे कि यहाँ पे आउटलुक में जा रहा है, आउटलुक में कब खेलने गया है, वो कब नहीं गया, टेम्परेचर कौन सा था, आउटलुक थी, ह्यूमिडिटी थी, इवेंट थी, कि किस तरह वो खेलने गया, किस तरह नहीं गया, कि जल्दी बिल्ड हो जाता है। बिल्ड द फास्टेस्ट ट्री एंड बिल्ड अ शॉर्ट ट्री हमारे पास, जिस तरह ही हमारे पास जो हमें रिक्वायरमेंट होती है जहाँ तक होती है वहाँ तक हम इसे इजीली ले लेते हैं। ओनली नीड टू टेस्ट इनफ एट्रीब्यूट अंटिल ऑल डेटा इज क्लासिफाइड। फाइंडिंग लीफ नोड्स एनेबल टेस्ट डेटा टू बी प्रोन रिड्यूसिंग नंबर ऑफ टेस्ट। इसके डिसएडवांटेजेस पे आते रहते हैं। डेटा मे बी ओवर फिटेड और ओवर क्लासिफाइड इफ स्मॉल सैंपल इज टेस्टेड। Only one attribute at a time is tested for making a decision. Classify continuous data may be computationally expensive as many trees must be generated to see where to break continuous. ये इसमें इसका एक मसला है कि हमें अगर हमें कंप्यूटेशनल पावर पैरेलल नहीं चलता है ये, क्योंकि ये चल रहा है कि एक नोड को करने के बाद मतलब पहले एक नोड को देखते हैं, फिर दूसरे को, फिर तीसरे को, हम कंप्यूटेशनल ये मैं पहले नहीं चल रहा है। इस चीज़ की वजह से ये हमारे पास काफ़ी कंप्यूटेशनल और मेमोरी का और हमारा टाइम लॉस होता है। ठीक है, आज तक आज के लिए यही था। शुक्रिया।